अच्छा, इस एक्सरसाइज में द एक्चुअल एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एफ ऑफ एक्स स्क्वायर एंड द एक्स एक्सिस इन द इंटरवल 0 1। तो एक्चुअल एरिया के लिए हम पहले प्रोसीजर ये होगा कि देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पहले गिवन इंटरवल को 2 सब इंटरवल में डिवाइड किया और फिर हमने उस इंटरवल को 4 सब इंटरवल में डिवाइड किया, तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा था वो इम्प्रूव हो रहा था। तो टू इन ऑर्डर टू अप्रोक्सीमेट द एरिया अंडर द कर्व एंड टू फाइंड द एक्चुअल एरिया, हम इस तरह करेंगे कि जो गिवन इंटरवल होगा उसको हम डिवाइड कर लेंगे इनटू इन सब इंटरवल्स, ठीक है, और फिर हम लिमिट अप्लाई कर लेंगे इन पे कि एज इन अप्रोचेस इनफिनिटी, तो हमें उस केस में एक्चुअल एरिया मिल जाएगा। देखिए तरीकाकार क्या है, हम इस तरह करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर वही फंक्शन लू y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस और ये f ऑफ x है, दिस इज f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। And this function is defined over the interval 0 to 2. तो हमने देखा प्रीवियस क्वेश्चंस में कि बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इंटरवल्स द रिजल्ट इज इंप्रूविंग, वी आर अप्रोक्सीमेटिंग द रिजल्ट, हमारा जो रिजल्ट है वो इंप्रूव होता है, हम एक्चुअल आंसर की तरफ वो हमारा जो प्राइस होता है वो कन्वर्ज करता है। तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इन सब इंटरवल्स इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, इन सब इंटरवल मतलब इस इंटरवल को आप इन सब इंटरवल्स में डिवाइड करें। तो व्हेन यू डिवाइड दिस इंटरवल इनटू इन सब इंटरवल्स, तो हमारे पास हर सब इंटरवल की जो लेंथ है द लेंथ विल बी डेल एक्स एंड दैट विल बी इक्वल टू बी माइनस ए, मतलब फाइनल पॉइंट ऑफ द इंटरवल माइनस इनिशियल पॉइंट ऑफ द इंटरवल एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। तो यहाँ पर ये 2 जो है ये b के बराबर है और ये 0 जो है ये a के बराबर है, ठीक है। तो द लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल इन दिस केस विल बी 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय n, ठीक है, और ये इक्वल होगा 2/n के। तो डेल एक्स बराबर आ जाएगा 2/n के। अब इस इंटरवल में ये जो पहला पॉइंट है ए, इसको हम डिनोट करते हैं एक्स नॉट से, ये जो दूसरा पॉइंट होता है एक्स उसको हम डिनोट करते हैं एक्स वन से, तीसरा जो पॉइंट होता है उसको हम डिनोट करते हैं एक्स टू से, ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट होगा ये आखिरी पॉइंट इसको हम डिनोट करेंगे एक्स एन से। अब ये तो एक्स एक्स नॉट तो 0 के बराबर है, एक्स वन हम किस तरह फाइंड करेंगे। देखिए आपको मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल ये 0 to 2 इंटरवल है, ठीक है, इसको मैंने 2 सब इंटरवल्स में डिवाइड किया तो मुझे यहां पर ये वाला पॉइंट मिला, ये 0 ये एक्स नॉट है, ये 1 ये एक्स वन है और 2 एक्स टू के बराबर है, ठीक है। तो एक्स वन हमें किस तरह मिलेगा, यहां पर इस सब इंटरवल की लेंथ बी वन के बराबर है और इस सब इंटरवल की लेंथ बी वन के बराबर है। अच्छा, ये एक्स वन आपको किस तरह मिलेगा,
x1 हमें मिल सकता है अगर हम ये जो पहला पॉइंट है इनिशियल, ये x0, दिस वन इज एक्चुअली दिस इज डेल एक्स के बराबर है, डेल एक्स, ये जो वन है ना, ये लेंथ विड्थ ऑफ द इंटरवल है, दिस वन इज डेल एक्स। तो एक्स वन हमें मिल सकता है बाय एडिंग द विड्थ ऑफ द इंटरवल विद एक्स नॉट, एक्स नॉट ऑफ जीरो है और विड्थ वन के बराबर है, तो एक्स वन जीरो प्लस वन, ये वन के बराबर। ठीक है, और फिर x2 हमें किस तरह मिलेगा, x2 हमें मिलेगा बाय एडिंग, देखिए यहां से आपने यहां तक आना है, जब आप यहां से यहां तक आएंगे तो यू नीड टू कवर दिस डिस्टेंस, तो x2 हम किस तरह फाइंड करेंगे, बाय एडिंग द विड्थ ऑफ द इंटरवल विद x1। तो लेकिन x1 खुद ये बराबर है एक्स नॉट प्लस डेल एक्स के, यहां पर हमने लिखा है ना एक्स नॉट प्लस डेल एक्स, तो ये एक्स नॉट प्लस डेल एक्स, तो ये एक्स नॉट प्लस टू डेल एक्स आ जाएगा, एक्स नॉट प्लस टू डेल एक्स। x नॉट जीरो है प्लस टू और डेल एक्स वन के बराबर है, तो जीरो प्लस टू इज टू, तो x2 हमारे पास आ गया। मतलब यू कैन फाइंड द पॉइंट्स यूजिंग दिस फार्मूला, यहाँ ये यहां से भी हो सकता है, x1 वन है और डेल एक्स बी वन है, तो x2 इज इक्वल टू टू, यहां से भी हो सकता है, इस फार्मूले से भी हो सकता है। अब इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं, x2 इज इक्वल टू x नॉट प्लस टू डेल एक्स, तो x3 क्या होगा, x3 होगा x0 प्लस 3 डेल x, तो xn क्या होगा, xn होगा x0 प्लस n डेल x। xn होगा x0 प्लस n डेल x। तो ये तो मैंने साहब के समझाने के लिए किया। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, देखिए हमारे क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि अप्रोक्सीमेट या फाइंड द एक्चुअल एरिया। एक्चुअल एरिया के लिए हमने क्या किया, हमने ये जो गिवन इंटरवल है उसको हमने इन सब इंटरवल्स में डिवाइड किया। इन सब इंटरवल्स के लिए आपको ये सारे पॉइंट्स चाहिए, तो x0 तो हमारे पास 0 है, अब हमें x1 चाहिए, तो x0 0 है यहां पे, दिस इज x0, ठीक है, तो x0 0 के बराबर है, अब बाय यूजिंग द प्रीवियस फार्मूला x1 जो है ना ये x0 प्लस डेल एक्स के बराबर होगा, तो एक्स नॉट जीरो है और इस क्वेश्चन में डेल एक्स जो है ये टू बाय एन के बराबर है, तो एक्स वन जो है ये टू बाय एन के बराबर आ जाएगा, एक्स टू जो है ये एक्स नॉट प्लस टू डेल एक्स के बराबर होगा, तो एक्स नॉट जीरो प्लस टू और डेल एक्स है 2 by n, सारे पॉइंट्स आप फाइंड कर लें, तो ये 4 by n आ जाएगा। इसी तरह x3 ये 0 प्लस 3 टाइम्स
टू बाय एन के बराबर आएगा, तो ये सिक्स बाय एन आ जाएगा। और इसी तरह एक्स एन ये जीरो प्लस एन टाइम्स टू बाय एन, तो ये एन और एन कट जाएंगे तो टू आ जाएगा। तो अब यहां पर देखिए हम वो रेक्टेंगल्स बनाएंगे ना, इन रेक्टेंगल्स बनाएंगे। इन रेक्टेंगल्स के लिए आप अपर सम वाला फार्मूला अप्लाई करें, तो अपर सम में हम जो फंक्शन की वैल्यूज लेते हैं ना हाइट ऑफ द रेक्टेंगल के लिए, वो हम स्टार्ट करते हैं x1 से और हम कहां तक जाते हैं, xn तक जाते हैं। तो हमारे पास इस सिचुएशन में हमारे पास n रेक्टेंगल्स है, तो हम फाइंड करेंगे द सम ऑफ n रेक्टेंगल्स, एरिया ऑफ n रेक्टेंगल्स। तो ये होगा एस एन इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए एन। अच्छा, अब ए वन जो है ना एरिया ऑफ द फर्स्ट रेक्टेंगल है, सो इस रेक्टेंगल की विड्थ और हाइट, तो हाइट है वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स वन, तो इसका एरिया होगा वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स वन, और उसी तरह वो मैं डेल एक्स काम लेता हूँ, ठीक है, इन टू डेल एक्स, लेकिन डेल एक्स मैं काम लेता हूँ क्योंकि सब मैं डेल एक्स काम है। ए टू है वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स टू, ए थ्री है एरिया, तो यहां पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स थ्री इंटू डेल एक्स, तो डेल एक्स में बाहर लिख लूंगा कॉमन, और यहां पर मैं लिखता हूं वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स एन, और सबके साथ आप लिख देंगे डेल एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, f ऑफ x1 फाइंड करें। x1 हमारे पास क्या है, x1 है 2 बाय n के बराबर, तो f ऑफ x1 मतलब है f ऑफ 2 बाय n f ऑफ x2, ये है f ऑफ 4 बाय n, इसी तरह f of x3 will be f of 6 by n, and f of xn will be f of xn will be f of 2. और साथ में है डेल x, तो डेल x आएगा ये 2 by n के बराबर, ठीक है। अब चूंकि f of x है x square, तो f of 2 by n आएगा 2 by n square, f of 4 by n आएगा 4 by n square, और f of 2 आएगा 2 square, और into 2 by n, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये बुक में साल हो चुका है, ये मैं वहां से कर देता हूं। देखें f of 2 by n, f of 4 by n, f of 6 by n, और f of 2, ठीक है।
तो 2 बाय एन स्क्वायर जो है ना ये 4 बाय एन स्क्वायर आएगा, 4 बाय एन स्क्वायर ये 16 बाय एन स्क्वायर आएगा, और 6 बाय एन 36 बाय एन स्क्वायर, और इस तरह ये एफ ऑफ 2 जो है ये असल में एन इंटू 2 बाय एन है, तो उसका स्क्वायर तो ये 4 एन स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इस तरह आएगा। ठीक है, इसको आप इस तरह लेके ना, ये एफ ऑफ टू ये असल में ये एक्स एन ये एन इंटू टू बाय एन है, तो इसको मैं एन इंटू टू बाय एन, तो ये एन स्क्वायर और टू स्क्वायर बाय एन स्क्वायर हम इसको लिख लेंगे। अच्छा, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हैं ये फोर ये टू स्क्वायर बाय एन स्क्वायर आ जाएगा, ये फोर स्क्वायर बाय एन स्क्वायर आ जाएगा। और नेक्स्ट जो है ना ये सिक्स स्क्वायर इसके बाद जो था सिक्स स्क्वायर बाय एन स्क्वायर आता है, या चलिए सिक्स स्क्वायर वाला मैंने ऊपर नहीं लिखा तो इसको हम यहाँ पर नहीं लिखते, एंड सो ऑन। इसको हम लिख देते हैं टू स्क्वायर एन स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, और यहां पर लिख देंगे टू बाय एन। अब हम इस तरह करते हैं कि इन सब से हम ये एन स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, ये जो डिनोमिनेटर में एन स्क्वायर है ये आप कॉमन ले, तो नेक्स्ट स्टेप में ये आएगा यहां से भी एन स्क्वायर यहां से एन स्क्वायर सब से एन स्क्वायर कॉमन ले और उसको इस एन के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये टू बाय एन क्यूब आ जाएगा। एस एन इज इक्वल टू टू बाय एन क्यूब। अच्छा, यहां पर ये टू स्क्वायर जो है ये फोर के बराबर है, यहां पर फोर स्क्वायर ये 16 के बराबर है, और फिर इसके बाद फोर स्क्वायर के बाद आता है सिक्स स्क्वायर, तो वो 36 के बराबर है, और यहां पर ये जो है ना ये आखिरी टर्म ये इक्वल है टू स्क्वायर इन स्क्वायर, तो टू स्क्वायर फोर के बराबर है और यहां पर आ जाएगा इन स्क्वायर। अब यहां पर 4, 16, 36 अप टू 4 इन सब में 4 कॉमन है, 4 यहां से कॉमन लो उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 8 बाय एन क्यूब, ठीक है, जब यहां से आप 4 कॉमन लोगे तो 1 आएगा, यहां से आप 4 कॉमन लोगे तो 4 आएगा, यहां से 4 कॉमन लोगे तो 9 आएगा, और एन स्क्वायर। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये 8 बाय एन क्यूब, अच्छा इस वन को मैं लिख सकता हूं 1 स्क्वायर,
इस फोर को मैं लिख सकता हूं टू स्क्वायर, नाइन को मैं लिख सकता हूं थ्री स्क्वायर, और आखिर में है एन स्क्वायर। तो बाप ये आपको याद होगा फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 8 में, मैथमेटिकल इंडक्शन वाले चैप्टर में, कि वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर अप टू सो ऑन, कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन इंटीजर ये इक्वल होता है, यहाँ पर तो 8 बाई एन क्यूब आ जाएगा। ठीक है, 8 बाई एन क्यूब तो है, लेकिन ये जो सम है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन इंटीजर ये इक्वल होता है एन इन टू टू एन प्लस वन, सॉरी एन इंटू एन प्लस वन एन इन टू एन प्लस वन इन टू टू एन प्लस वन बाय सिक्स, बाय सिक्स के बराबर होता है। ये हमारे पास फॉर्मूला है कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन इंटीजर इसके बराबर है। सो ये हमारे पास आ गया द अप्रोक्सीमेट एरिया फॉर इन सब इंटरवल्स। असल में अब इन वन है टू है थ्री है, जनरली ये फार्मूला है, इसमें आप पुटिंग कर सकते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि टेन सब इंटरवल्स के लिए आप अप्रोक्सीमेट एरिया फाइंड करो, तो आप इनकी जगह 10 पुट कर दो। अगर 20 सब इंटरवल्स के लिए है तो आप इनकी जगह 20 पुट कर दो। लेकिन हमें यहाँ पर बताया गया है कि फाइंड द एक्चुअल एरिया। तो देखिए एक्चुअल एरिया हम किस तरह अप्रोक्सीमेट करते हैं, हम ये टू अप्रोक्सीमेट टू फाइंड द एक्चुअल एरिया वी नीड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ इंटरवल्स। देखिए यहाँ पर स्टिल देयर इज एरर। अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये इन सब इंटरवल्स हैं, सो स्टिल देयर इज एरर, यहाँ पर अब भी एरर है। ठीक है, तो इस एरर को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम मजीद सब डिवीजन प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं, हम अप्लाई करते हैं, हम इस इंटरवल को मजीद सब डिवाइड करते हैं, हम और पॉइंट्स इंट्रोड्यूस करते हैं। तो फिर आप यहां से एक रेक्टेंगल बनाते हैं और एक यहां से रेक्टेंगल बनाते हैं, तो ये एरिया जो है ये वाला ये बीच में से निकल जाता है। देखिए इस तरह जब आप फर्दर सब डिवीजन अप्लाई करेंगे ना, तो एक रेक्टेंगल यहां पर बन जाएगा और एक रेक्टेंगल यहां पर बन जाएगा। ठीक है, तो ये एरर थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब एक इंटरवल ये इंटीग्रल ये बन गया, कि एक रेक्टेंगल यहां पर ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा, तो ये इंप्रूवमेंट हमारे पास ये आ जाती है। देखिए यहां तक इस तरह जब आप मजीद सब डिवीजन करते हैं, तो दो हर रेक्टेंगल को जब आप डिवाइड करते हैं, तो फिर एक रेक्टेंगल यहां पर आ गया, एक रेक्टेंगल यहां पर आ गया। ठीक है, जब यहां पर आप डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा रेक्टेंगल, ये एक्स्ट्रा एरिया ये डिलीट हो जाएगा, हमारी कैलकुलेशन से कम हो जाएगा। देखिए ये खत्म। तो जब आप नंबर ऑफ लाइंस को, जब आप नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ रेक्टेंगल व्हेन यू इंक्रीज इन तो आप एक्चुअल एरिया को, ये जो अंडर एफ है, आप एक्चुअल एरिया को कवर कर लोगे व्हेन यू इंक्रीज द नंबर ऑफ इंटरवल्स। सो इन ऑर्डर टू फाइंड द एक्चुअल एरिया वी नीड टू टेक द लिमिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है 8 बाय n क्यूब, एक्चुअल एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास आया है 8 बाय n क्यूब n इनटू n प्लस 1 और इनटू 2 n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। एक्चुअल एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसका लिमिट लेते हैं। लिमिट क्या, टेकिंग द लिमिट एज इन अप्रोचेस इंफिनिटी। तो यहां पर भी आप लिमिट ले और यहां पर भी आप लिमिट लेके लिमिट इन अप्रोचेस इंफिनिटी और फिर इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करें, लिमिट अप्लाई करें। व्हेन दिस लिमिट एग्जिस्ट, तो इसको हम रिप्लेस करते हैं, ये अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करते हैं, सो दिस इज द एक्चुअल एरिया, दिस इज ए,
और इसको आप सॉल्व करें, लिमिट लिमिट इन अप्रोचेस इन इंफिनिटी 8 बाय एन क्यूब 8 बाय एन क्यूब। अच्छा एक एन ये है, यहां से भी एन कॉमन ले, यहां से भी एन कॉमन ले, एक एन ये है यहां से एन कॉमन ले, यहां से एन कॉमन ले, और इस एन को इस एन को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये एन क्यूब आ जाएगा। अच्छा जब आप यहां से एन कॉमन लेंगे तो ये 1 प्लस 1 और एन आएगा, और जब आप यहां से n का मान लेंगे तो ये 2 प्लस 1 वर्ग n आएगा। और डिवाइडेड बाय 6, ये n क्यूब इस n क्यूब के साथ कट जाएगा। अब आप लिमिट अप्लाई करें, n अप्रोचेस इंफिनिटी, तो व्हेन n अप्रोचेस इंफिनिटी ये 1 ओवर n ये भी 0 हो जाएगा, ये 1 ओवर n ये भी 0 हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2 into 8। और तो आफ्टर अप्लाइंग दिस लिमिट 2 इंटू 8 16 बाय 6, 16 बाय 6 या 8 बाय 3, और 8 बाय 3 जो है ये वही एक्चुअल आंसर है या 2.67। तो ये है प्रोसीजर टू फाइंड द एक्चुअल एरिया। पहले इन सब इंटरवल्स लो, वहां पर एस एन फाइंड करो द सम ऑफ द एरियाज ऑफ इन सब इंटरवल्स, और फिर लिमिट अप्लाई करो इन अप्रोचेस इन्फिनिटी। देखिए ये यहाँ पर इस बुक में साल हो चुके कि एक्चुअल एरिया फ्रॉम 0 टू 2 ऑफ x स्क्वायर dx इज एक्चुअली लिमिट इन अप्रोच इज इन्फिनिटी समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 टू n f ऑफ x i dx i, तो f ऑफ x की वैल्यू फ्रॉम 1 टू n f ऑफ x 1 f ऑफ x 2 f ऑफ x n इनटू dx। लेकिन ये कहते हैं कि आपने लिमिट अप्लाई करना है, लिमिट इन अप्रोच इज इन्फिनिटी, तो जब ये आप लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं तो आपके पास एक्चुअल एरिया 8 बाय 3 आ जाता है। और अब इस पे एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि इन ईच केस डिटरमाइन द एप्रोक्सीमेट एरिया बाउंडेड बाय, ये फंक्शन है, वहां पर हमने x स्क्वायर लिया था, अब इस क्वेश्चन नंबर 1 में फंक्शन है 2x + 1 और फ्रॉम a टू b, तो हर क्वेश्चन में a और b गिवन है। यहां पर n = 2 का मतलब है कि दो सब इंटरवल्स लो और इंटरवल लो 0 टू 2, यहाँ पर 4 सब इंटरवल लेने हैं, यहाँ पर 8 लेने हैं, यहाँ पर 2 लेने हैं, ठीक है। इस तरह यहाँ पर फंक्शन दिया है x square plus 1, दो सब इंटरवल लो, 4 लो, 8 लो और 2, ठीक है। और अब यहाँ पर एक्चुअल एरिया फाइंड करना है, तो जो अभी हमने क्वेश्चन किया वो इससे रिलेटेड है, ये वाला तो हो गया x square वाला, ये तीन पार्ट आप ट्राई करें। तो ये था एक्सरसाइज 5.4, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 5.5 डिस्कस करेंगे।